और सबसे ज्यादा एक ही सवाल रहा है कि भाई आपका चैनल इतना जल्दी ग्रो कैसे हुआ, भाई आपका फर्स्ट वीडियो इतना ज्यादा वायरल कैसे हुआ। तो दोस्तों इसका जवाब भी आज इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मुजीब। राजू पतोड़ी आखिरकार वायरल कैसे हुआ, उसने अपने चैनल को इतना जल्दी दोस्तों ग्रो कैसे कर लिया, इसके पीछे के 3 कारण आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा। 3 कारण दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों किसी भी यूट्यूबर के वायरल होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने आज ही चैनल बनाया और हमारा आज ही यूट्यूब चैनल पर लाखों व्यूज आ गए, लाखों सब्सक्राइबर हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। कोई ना कोई कारण होता है। जो भी नया चैनल होता है, अगर आप उसके उस पर देखते हो कि यार इसकी तो इतनी जल्दी वीडियो वायरल हो गई, पहली वीडियो डाली और इस पर ही इसके 50K व्यूज आ गए हैं, नहीं दोस्तों, कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों वो यूट्यूबर है जो पहली वीडियो डाल रहा है, या तो वो पीछे यूट्यूबर रह चुका है, उसका पहले चैनल था, या उसका यूट्यूब पर एक्सपीरियंस है कई सालों का, जिसकी वजह से वो वायरल हो रहा है। ऐसा ही राजू पतोड़ी के साथ हुआ है। राजू पतोड़ी कई साल से मेहनत कर रहा है लेकिन उसका चैनल ग्रो नहीं हुआ, अब आके उसका चैनल ग्रो हुआ। दोस्तों मैं आपको 3 कारण आपको ऐसे बताता हूं जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहला दोस्तों कारण यही है कि माय फर्स्ट ब्लॉग के नाम से जो भी वीडियो डालता है, जो भी डाल रहा है, वो वायरल में जा रही है, तुरंत वायरल हो रही है माय फर्स्ट व्लॉग के नाम से। पहला कारण तो यही है। अब दोस्तों दूसरा कारण यह है, दूसरा कारण वो ऐसी स्थान दिखाता है, ऐसी जगह दिखाता है जो लोग देखना पसंद करते हैं, जहां लोग ऐसी जगह लोगों को देखने को नहीं मिलती है, कभी कभार देखने को मिलती है, इसलिए वो मोबाइल में ही देख लेते हैं। जैसे वो पहाड़ियाँ दिखाता है, खेत दिखाता है जिसमें हरे भरे फसल खड़ी होती है, और वहाँ सुनसान बिल्कुल बहुत शांत जगह होती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है, इसलिए लोग उसको देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों दूसरा कारण ये है। अब तीसरा कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीसरा कारण ये है दोस्तों, बोलने का तरीका। अगर बोलने का तरीका अच्छा हो जाए तो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। बोलने का तरीका ही सबसे बेस्ट कंटेंट होता है यूट्यूब पर। वो अगर आप इस तरीके से बातें करोगे, इस तरीके से बोलोगे कि अगले को सुनने में मज़ा आए, अगले को देखने में मज़ा आ रहा है, तो वो आपकी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा। यही दोस्तों तीसरा कारण है राजू पतोड़ी का, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बोलता है, उसकी बोलने की कला बहुत ही बेस्ट है, इसलिए वो वायरल हो गया। बहुत लोगों को उसके बोलने का तरीका पसंद आता है और पसंद आ रहा है, इसीलिए दोस्तों वो वायरल होगा, उसकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो दोस्तों कोई भी यूट्यूबर ऐसे ही वायरल नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और राजू पतोड़ी खुद बताते हैं कि मेरा 3 सालों से एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर, 3 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, वायरल तो अब मैं जाके हुआ हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।